रूस यूक्रेन के साथ इसराइल और हमास में भी जंग हो रही है। इसराइल और हमास के बीच युद्ध को 3.5 महीने हो गए हैं। इस जंग में एक दिन के अंदर इसराइल को सबसे बड़ा नुकसान हुआ है। गाजा में एक बम धमाके में इसराइल के 21 सैनिक मारे गए हैं। गाजा युद्ध के दौरान अब तक इसराइल को एक दिन में इतना बड़ा नुकसान नहीं हुआ है और इसके बाद इसराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने युद्ध विराम की किसी भी संभावना से इनकार कर दिया है। आसमान में उठ रहा ये धुएं का गुबार इसराइल हमास युद्ध के और भयानक रूप लेने का संकेत दे रहा है। गाजा में इसराइल के 1, 2 या 5 नहीं बल्कि 21 सैनिक हमास के हमले में मारे गए। 3.5 महीने से हमास से जंग लड़ रहे इसराइल के लिए ये अब तक का सबसे बड़ा झटका है। अब तक की जंग में इसराइल के एक साथ इतने सैनिक कभी नहीं मारे गए थे। इसराइल के सैनिकों पर ये हमला कब और कैसे हुआ ये बेहद हैरान करने वाला है। इसराइल के सैनिक गाजा के खान यूनिस में हमास आतंकियों के 2 मकानों को ध्वस्त करने के लिए उसमें विस्फोटक लगा रहे थे। उसी दौरान हमास के एक आतंकी ने रॉकेट लॉन्चर से ग्रेनेड दाग दिया। इससे विस्फोटक में धमाका हो गया और दोनों बिल्डिंग गिर गई। इस हमले में इसराइल के 21 सैनिक मलबे में दबकर मारे गए। हमास की ओर से इस हमले का एक वीडियो भी जारी किया गया है जिसमें हमास के आतंकी धमाके से पहले और बाद के बारे में बात कर रहे हैं। वीडियो देखकर ऐसा लग रहा है जैसे इसराइल के सैनिकों को मारने के लिए एक जाल बिछाया गया था। गाजा का खान यूनिस इलाका हमास आतंकियों का सबसे बड़ा गढ़ माना जाता है। यहाँ आतंकियों ने स्कूली इमारतों के करीब अपनी सुरंगें बना रखी हैं, जिन्हें इसराइल ने ढूंढ निकाला है। इजरायली सेना ने ऐसी सुरंगों का वीडियो भी जारी किया है। अपने 21 सैनिकों की मौत का बदला लेने के लिए इसराइल की सेना ने अपने हथियारों के मुंह फिर से खोल दिए हैं, जिसका नतीजा है कि बीते 24 घंटे में अकेले गाजा के खान यूनिस में 100 से ज्यादा हमास के आतंकी मारे जा चुके हैं। इसराइल ने भले ही 21 के बदले 100 हमास आतंकियों को मार गिराया, लेकिन अभी भी उसका बदला पूरा नहीं हुआ है। इस बीच संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने हमास से बंधकों को रिहा करने की अपील की है। हमास संयुक्त राष्ट्र की अपील सुनेगा या नहीं, लेकिन नेतन्याहू अपने 21 जवानों की मौत से बेहद गुस्से में हैं। इजरायली प्रधानमंत्री ने एक बार फिर युद्ध विराम की संभावना को खारिज कर दिया है। नेतन्याहू ने अपने सैनिकों को संदेश दिया है कि इस युद्ध को जीतने के अलावा इजरायल के पास और कोई विकल्प नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।